लस्सी है ना, उससे सुंदर लग रही है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी के बज रहे 7:30। और आज मटको और पूजा है हमारे घर में, कल की शादी सिस्टर की। मेरा गला बैठ गया, सगाई पे भी गला बैठ गया था, तो सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ मैं। और मैंने फेशियल करा लिया, थ्रेडिंग वगैरह करा ली है, क्योंकि आज फंक्शन है हल्दी का। सब आएंगे, मतलब लेडीज संगीत है और फ्रेंड्स वगैरह आएंगे सारी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंड तक देखना है, मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मस्ती होगी आज। जो भी रेडी हो रहे हैं, सब नहा रहे धो रहे, मैं भी थोड़ा झाड़ू पोछे का काम देख लूँ, करना ही पड़ेगा। उसके बाद नहाऊँगी धोऊँगी, फिर देखते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं। सत्यनारायण भगवान की आज कथा भी है, मैं थोड़ा सा उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगी, तो छोटी छोटी वीडियो इसमें ऐड कर दूंगी। बिल्कुल ओल्ड सा लग रहा है, नाक भी ऐसे हो गया, कोई नहीं चलता इतना शादी के घर में। तो मैं मिलती हूँ आपसे, रेडी हो जाऊंगी उसके बाद। देखो यहाँ बैठ के चाची बना रही है पीड़ा, पीड़ा बना रहे कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। एक पे दूल्हा बैठेगा, एक पे दुल्हन बैठेगी। ये फूल रेनू ने बनाया है और ये वाला फूल मैंने बनाया है और ये चाची बना रही है। और ये रही रेनू। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बंद नहीं हो रही की बारी से बंद करने के, ये हमारी ये बंद नहीं हो रही है पेंट होने के बाद कुंडी, तो ये यहाँ पे ठोका पीटी चल रही है। सारे जुगाड़ काम है हमारे, खुद कर लेते हैं। रेनू पैसे भी लेगी? नहीं नहीं। जाओ नगर समय पहुंचो, तुम्हारा धन तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा, हरि कृपा को मत भूलना कहते हैं। तो इस प्रकार उनका धन्योम और इस प्रकार के पर्व अध्यक्ष में हो गए। पर्व के अध्यक्ष में होने के बाद अपने नगर के लिए प्रवेश करते हैं। नगर में जाकर उन्होंने सब को इतला किया, सूचना कराया और विधि पूर्वक पूजन किया, पाठ किया, जप किया, तप किया। तो उनकी कन्या कहे चलो आप घर के लिए तैयारी करो, लेकिन
स्वाहा